हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूप चंकी के यश गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 12 है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी बच्चों गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले हम लोग वही बात करेंगे, उसके बाद में अर्थलघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है कि ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, लार का श्रवण, आंख की पलक झपकना, छींकना, कसरत करना। इसमें पूछ रहा है कि ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भैया कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो वे जैविक क्रियाएं जो जीव अपनी इच्छा के अनुरूप करता है, यानी वे जैविक क्रियाएं जो जीव अपनी इच्छा के अनुरूप करता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाता है। बच्चों, जैसे है बोलना, चलना, कार्य करना, कसरत करना, यह सब क्या है? ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो इसमें जो है कसरत करना एक क्या है? एक अच्छी क्रिया है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि समाज शास्त्र समाज का एक विज्ञान है, क्या कथन किसका है? समाज शास्त्र समाज का एक विज्ञान है, यह कथन किसका है? वार्ड का है कि ओडम का है कि मैक्स वेबर है कि हीलर का है? इसका सही जवाब हो जाएगा वार्ड का है। नहीं, समाज शास्त्र समाज का एक विज्ञान है, यह कथन जो है वार्ड का है। अगला क्वेश्चन है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति वंचित रहते हैं, यानी गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति जो गंदी बस्तियों में रहते हैं धन से, अच्छा घर से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, इन सभी से। बच्चों, जो है गंदी बस्तियों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं धन से भी वंचित रहते हैं, अच्छा घर नहीं होता उनके पास, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इनमें से जो है सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की सुस्तम इकाई है, प्रोटीन, प्रोटीन हम लोग जानते हैं बच्चों शरीर की वृद्धि के लिए, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? सबसे सूक्ष्मतम है, छोटी इकाई क्या है? ग्लूकोज है कि अमीनो अम्ल है कि वसीय अम्ल है कि इनमें से सभी? तो प्रोटीन की जो सबसे सूक्ष्मतम छोटी इकाई होती है जो वह है अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूषित जल से फैलने वाला रोग है, कौन सा रोग है? दूषित जल यानी जो खराब जल होता है, जो दूषित जल से फैलने वाला रोग मलेरिया है कि तपेदिक है कि मोती झरा है कि इनमें से सभी? तो दूसरी जगह से जो फैलने वाला रोग है उसे हम लोग मोती झरा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोती झरा कहते हैं। चलिए अगला हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में श्वास लेता है, स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार जो है सांस लेता है? 25 से 30 बार कि 15 से 18 बार कि 5 से 10 बार कि इनमें से कोई नहीं? तो एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में श्वास लेता है 15 से 18 बार। इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 15 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि बाल विवाह के उन्मूलन हेतु आवश्यक है, बाल विवाह यानी समाप्त करना, उन्मूलन समाप्त करना, तो बाल विवाह के उन्मूलन हेतु आवश्यक है दहेज प्रथा का विरोध, जन जागरूकता, शिक्षा का प्रसार, इनमें से सभी? तो बच्चों, बाल विवाह की समाप्ति अगर करना है तो इनमें सभी हो जाएगा। शिक्षा का प्रसार भी करना है, जन में जागरूकता लाना है, दहेज प्रथा का जो है विरोध करना है। तो बच्चों, इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग, रक्त का कौन सा भाग, मान लीजिए रक्त है, रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक जो है पहुंचाता है? रक्त का कौन सा ऐसा भाग है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है? प्लाज्मा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिसको हम लोग WBC कहते हैं, हीमोग्लोबिन है कि प्लेटलेट्स है? तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि कान के अंदर अस्थि होती है, अस्थि मैंने होता है हड्डी, यानी कान के अंदर कौन सी हड्डी होती है, कौन सी अस्थि होती है? मुग्धर है कि पैरिलिम्प है कि एम्पुला है कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, कान के अंदर जो अस्थि होती है उसका नाम है मुग्धर है। क्या नाम है? मुग्धर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया क्या है कि परिवार का लक्षण है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने है, परिवार का लक्षण क्या है? सदस्यों का जो है रक्त संपर्क से जुड़े होना, सदस्यों का एक ही गांव का होना, सदस्यों का आपस में मित्र होना, इनमें से कोई नहीं? तो परिवार का एक लक्षण इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़े होना, सदस्यों का जो है रक्त संबंध से जुड़े होना, ये परिवार क्या है? एक लक्षण है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप, भूकंप सभी बच्चे जानते हैं, भूकंप आता है तो भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं, यानी इसका जो है पैमाना, मापने वाला पैमाना क्या है? कैलोरी है कि रिक्टर स्केल है कि मीटर पर सेकंड है कि जूल है? चार ऑप्शन आपके सामने है,
तो भूकंप को जो मापने का यंत्र है उसे हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल यानी रिक्टर पैमाना से जो है भूकंप तीव्रता जो है मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, किस विटामिन कमी से जो है रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, तो विटामिन सी। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो किस विटामिन कमी से रतौंधी होती है बच्चों? विटामिन ए के कारण, विटामिन ए के कारण जो है क्या होती है? रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है, परिवार के जो है मुख्य शारीरिक कार्य है, काम, इच्छा की पूर्ति एवं संतानों उत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण, जीवन की सुरक्षा तथा भोजन की व्यवस्था, इनमें से सभी। कह रहा है बच्चों कि परिवार के मुख्य जो है शारीरिक कार्य क्या है? काम, इच्छा की पूर्ति एवं संतान उत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण, जीवन की सुरक्षा तथा भोजन की व्यवस्था, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा है बच्चों क्या है? दहेज प्रथा एक व्यक्तिगत समस्या है कि आर्थिक समस्या है कि सामाजिक समस्या है कि इनमें से सभी? बच्चों दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है। कौन समस्या है? एक सामाजिक समस्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भैया कि बाल्यावस्था में कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है? कह रहा है कि बाल्यावस्था में कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेदनात्मक संतुलन, मानसिक स्तर, इनमें से सभी। तो बाल्यावस्था कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है? इसमें बच्चों सही, इनमें से सभी हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी हो जाएगा, संवेदनात्मक संतुलन भी हो जाएगा और मानसिक स्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? जो संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त में आपस में जुड़े रहना, संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? कलह, कलह मची रहती है घर में जो है, पाश्चात्य शिक्षा का असुविधाएं, इनमें से सभी। बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, कलह भी रहती है संयुक्त परिवार के विघटन, आप घर में ही लड़ाई झगड़ा, कलह, पाश्चात्य शिक्षा, शिक्षा की असुविधाएं, तो ये सब रहता है, जो सभी हो जाएगा। आप लोग समझते हो कि बहुत सरल है। वायु कोषों का समूह है, कह रहा है कि वायु कोषों का समूह है, स्वयंत्र, फेफड़ा, श्वास नली, श्वसन तंत्र। तो बच्चों वायु कोषों का जो समूह है इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़े हो जाएगा, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है कि बाल मृत्यु दर के कारण क्या होता है? बाल मृत्यु दर का कारण, बाल में छोटा, बाल मृत्यु दर के कारण क्या है? गर्भावस्था में असावधानी जो है, अधिक संतान पोषण में कमी, इनमें से सभी। बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इनमें से सभी हो जाएगा।